सात साल के नीचे के बच्चे को समझ आती है वही कामयाब, वही पत्ति सबसे कामयाब है। अब किसी मंदिर गुरुद्वारे या किसी धार्मिक स्थान में तीन साल के बच्चे को ले जाओ, उसको मंत्र पूछो, उसको समझ आती है नहीं आती। और अगर हम म्यूजिक से रात होगी उसकी बॉडी मिलेगी, तो म्यूजिक की असली भाषा है। हमें एक मिनट और करके, और जब एक बच्चा पैदा होता है भी उस समय ध्यान देना, उस समय उसका भोजन माँ द्वारा होता है, सिंगल ही भोजन होता है, उसके साथ पानी होता है, ठीक है। ये फिलोसफी है कि आपको हमेशा जब भी लेना है दो तीन घंटे में गैप में एक सिंगल भोजन, तो आप सिंगल मतलब नमक की चीज लेनी तो नमक ले लो, मीठी लेनी मीठी लो, अगर एक ही चीज ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। अगर 5-10 चीजें लोगे ना, ये सॉफ्टवेयर है इतना बढ़िया बना हुआ है, मगर उसको भी कुछ काम करना पड़ेगा, एक होगा काम करके पट हो जाएगा। अब एक और पे आके फिर महंगे बच्चन में जब हम 6-7 महीने के होते हैं, दुनिया के सब जो आप बैठे हो एक क्रिया करके आप खड़े हो गए, अगर वो क्रिया घर में फिर कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा और टाइम बचेगा। मेरा प्रोजेक्ट हमेशा रहता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या है उससे क्या क्या हम कर सकते हैं, भारी ना जाना पड़े। वो एक एक्ट है जो आप सब ने किया, क्या एक्ट है, ऐसे आप गिरे कभी, ऐसे आप उठे कभी, ऐसे आप रोए कभी, ऐसे आप हंसे कभी, माँ की बात मान ली। अब आते हैं हम लास्ट में कि हमारी मदर कौन है। अगर किसी को ये समझ आ गया कि माँ कौन है हमारी, मैं अपनी बताऊंगा, जब मेरी माता जी चली गई मेरे को फील हुआ माँ तो चली गई, अब कौन मेरा देखेगा। फिर मेरे को एक माँ मिली जो सबकी माँ है, और असली माँ हमारी वही है। कौन असली माँ है? एक माँ मेरी माँ थी जिसको कलयुग में मैं दिया गया, जाओ उसकी भी जिंदगी चलेगी और मेरी भी चलेगी। और एक माँ है जिसके पास हमने मर के जाना है, कोई ऐसी माँ मेरे पास ले आओ जिसको ये पता हो, उसको बर्थ पता है 5,000 साल पहले भी ले, उसको पता था किस ऋतु में होने कब हो, पता था जब घड़ी नहीं थी तब भी पता था, अभी पता है, मगर किसी माँ को बच्चे की डेथ रेट नहीं पता ना। तो डेथ रेट जो जिसके पास हमने मर के जाना है वही असली हमारी मदर है, दैट इज कॉल्ड नेचर मदर। अब मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें दे रहा हूँ, अगर आप 2 लाइनें वो भी पकड़ ली, अब मैं रात को 2 लाइनें बोल के सोता हूँ, प्रकृति माँ कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी जरूरत है, मैंने अपनी जीवन उसको अर्पित कर दिया, वो सुलाएगी अपनी गोद में आपको सुलाएगी, और आपकी नींद की गोली कभी नहीं आएगी, मेरी 16 साल की गोली नींद की खत्म हो गई। अब वो अपनी गोद में सुलाएगी, वो आपको अपने आप उठाएगी, जैसे मेरे को 2-3 बजे में उठा दी, मैं घड़ी नहीं देखता, उठ के ऐसे देखता हूँ, हम इतना बहुत बढ़िया है खत्म, हम आगे चलो। अब क्या होता है, अक्सर हम रात को उठते हैं, मान लो किसी की 60 के ऊपर है, उसकी नींद खुल गई, अरे 1.5 बजा है, 1.5 बजा है, उसका ब्रेन सोचेगा कि ये मर गया मैं, तो जो 75% नींद है वो खत्म हो जाएगी। अब फिलोसफी देखो, वहाँ घड़ी लगी ऊपर आप नीचे, हमने घड़ी को बड़ा बना दिया आपने से, फिर घड़ी के साथ एक किसी गुरु की या भगवान की फोटो आम घरों में होती है, चलना वो गुरु भगवान कह रहा है मैंने उठाया, दुनिया सोरी मैं कुछ आपको दूंगा। अगर हम घड़ी को देख के जो नींद होती है वो भी खराब कर देते हैं और इतने पदन हो जाते हैं पानी